नमस्कार, तिरुपति एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंद्रजाल के बारे में। इंद्रजाल एक संस्कृत शब्द है जो एक वनस्पति, एक ऐसी वनस्पति जो समुद्र में पाई जाती है, उसे नाम दिया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन, बहुत ही प्राचीन युग में भगवान इंद्र ने एक मायावी जाल रचा था जिसे हम इंद्रजाल कहते हैं। वो एक वनस्पति है, बहुत ही दुर्लभ वनस्पति है और जो समुद्र में पाई जाती है। इंद्र भगवान जो के कहा जाता है कि पहले क्रिएटर थे, ही वॉज द क्रिएटर ऑफ माया, जिसे हम मोह माया कहते हैं। तो इस पूरे जग में, यूनिवर्स में, इंद्र भगवान ने मोह माया क्रिएट की थी, जो हम इंद्रज नेट, इसे हम इंद्रज नेट भी कहते हैं, जो एक जादू है, एक डिसेप्शन है, एक इल्यूजन है, जिससे हम देखते ही सम्मोहित हो जाते हैं। इसे बहुत लोग वशीकरण में भी यूज़ करते हैं, तंत्र की चीज़ है जिसे हम तंत्र में यूज़ करते हैं। इंद्रजाल के अनेक फायदे हैं और ये फायदे अगर हम उठाएं तो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक हो सकता है। जो भी इसे देखता है एक इल्यूजन में आ जाता है। इल्यूजन का मतलब है एक माया, जो हम उसे दिखाना चाहते हैं वो पुरुष या स्त्री वो देखना शुरू करते हैं। इसमें एक अजीब जात की अट्रैक्शन है, जिसे देखने से आदमी अट्रैक्ट हो जाता है या औरत अट्रैक्ट हो जाती है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही वशीकरण और अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ जो सरल है, मतलब मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, सरल अट्रैक्शन जिसे हम बहुत ही सीधे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वनस्पति है वो हमारे हिंदुइज्म में, तांत्रिक में भी यूज़ की जाती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं एंड उसमें से थोड़े फायदे मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो इंद्रजाल जो समुद्र में पाया जाता है वो अलग अलग साइजेस में मिलते हैं, छोटे हैं, मीडियम साइजेस हैं, बड़े साइजेस हैं। इसे करना क्या है ना, जैसे मैंने आपको कहा इसके अनेक फायदे हैं। पहली चीज़ तो पैसे का इश्यू हर एक को होता है, जैसे कोई दुकानदार है या हमें घर में किसी को पैसे का इश्यू है, किसी ने बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा है और उन्हें लोन मुक्त होना है, तो ये एक चीज़ ऐसी है जो हमारे घर पे आने से और हमारे घर पे रखने से हमारे ये बहुत ही मेजर इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। जैसे करना क्या है, हमें एक फ्रेम में इसे स्थापित करना है। फ्रेम का ये हमें ध्यान रखना है कि फ्रेम का बैकग्राउंड रेड कलर का हो और गोल्डन कलर की फ्रेम में हमें इसे ऐसे, जो मैंने आपको पिक्चर में बताया है, ऐसे हमें फ्रेम करके हमारे एंट्रेंस डोर के सामने ही रखना है। अगर आपका घर है, जैसे आप एंट्री करते हो, सबसे पहली नज़र जो भी आता है उसकी ये इंद्रजाल पे पड़नी चाहिए। और अगर आप इसे बिजनेस में यूज़ करना चाहते हो, जो कि इसके बहुत अच्छे फायदे हुए हैं, आपके काउंटर पे, जो हम गल्ला बोलते हैं, गल्ले के एग्जैक्टली पीछे आप इसे रख सकते हो, जो कि जो भी कस्टमर आपके यहाँ आता है उसकी नज़र वहाँ पे पड़नी चाहिए। इससे होता यह है कि घर पे हमें लक्ष्मी जी का वास होता है और स्थापित लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी आने की चांसेस होती है। लक्ष्मी आती है, बहुत लोग बोलते हैं चली जाती है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से चली जाती है, तो इसमें हमें लक्ष्मी स्थिर होने के चांसेस है। आपके लोन जो आपने लिए है वो लोन मुक्त होने के चांसेस है। इसे घर पे रखने के लिए विधि पूर्वक इसे, अगर आप लक्ष्मी जी मानते हैं तो लक्ष्मी जी का पाठ करना है, इसे रोली या कुमकुम लगाना है, अगरबत्ती दिया बताना है और इसे स्थापना करनी है। सेम चीज़ आप दुकान में भी कर सकते हो, जिससे जो भी कस्टमर आपके दुकान में आता है या आपके ऑफिस में आता है वो आपके दिखाए हुए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जाल में, लेकिन आपके दिखाए हुए इल्यूजन में
आ जाएगा और आपका फ़ायदा होगा। दूसरी एक चीज़ है कि ये चीज़ रखने से नेगेटिविटी कम्प्लीटली कट हो जाती है। कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी जहाँ इंद्रजाल है वहाँ नहीं आ सकती है। तो आपको बुरी नज़र या आपके बच्चे हैं उन्हें आपको बुरी नज़र से बचाना है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो घर पे रखने से घर के सारे लोगों को फ़ायदा होता है। तो नेगेटिविटी इससे कट हो जाती है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है। हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी को है तो हेल्थ इश्यूज़ भी इससे काफ़ी हद तक टल जाते हैं। बुरी नज़र नहीं लगती है, किसी किसी को नज़र की इश्यू होती है, तो ये इंद्रजाल के थोड़े से स्टेम हमें तोड़ के एक तावीज़ में डाल के पहनना है। ये पहनने से आपकी हेल्थ इश्यू सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगी, जिससे आप अगर कोई जॉब पे जाने वाले हो, आपको जॉब चाहिए या आपके कोई कोर्ट केसेस हो, आपको अपने तरफ उसका रिजल्ट आना है, ऐसा करना है, तो आप ये तावीज़ में डाल के या आपके गले में धारण कर सकते हो या आप साथ में लेके घूम सकते हो, जिससे आपका फ़ायदा होना ही होना है। तो ये रहा इंद्रजाल आपके लिए, जो अनेक फ़ायदे कराता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन डेफिनेटली क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।